पढ़ी जाए। 2013 में जैसा कि स्कूल गए थे तो वहाँ पे ये नमाज हुई थी। और अपने पास जो ऐसा कि उलमा लोग जो भी है कहीं भी ऐसा बोलते नहीं जैसा कि आज पहली मरतबा सुन लोग में, इसलिए तो जैसा कि आपका जो प्रोग्राम है होते जैसा कि शादी हाल में जो होते प्रोग्राम, ऐसे प्रोग्राम में आपने सबके सामने जो जिक्र करे तो यहाँ पे उलमा लोगों को आलिम लोगों को भी मालूम पड़ जाएगा कि भाई ये चीज़ है ना, कहीं ऐसा कहीं इज्तिमा में होता है ना कहीं भी नहीं होता है। और ये जो सुरुज ग्रहण जो होता है जो बच्चों को ऐसा डाक वर्ग ले जाते ये चीज़ है क्या इस्लाम में ऐसा, ये चीज़ को बहुत बोला मैं। और ये जो चीज़ें है ना जो आगे आज पहली मरतबा सुनने को मिला और पहली मरतबा ये मदीने के अंदर अपने हरम शरीफ में नमाज हुई थी और वहाँ पे मैंने नमाज पढ़ा, हमारे दूसरे साथी है बांध वो उन्होंने सबने मिलकर हमने नमाज पढ़ी। भाई ने एक सवाल किया कि लोग इस ताल्लुक से बताते क्यों नहीं, उलमा बताते क्यों नहीं समाज के ताल्लुक से। देखिए ऐसा तो नहीं है कि उलमा को मालूम नहीं है, बस मसला ये है कि हम लोगों ने बहुत सारे सुन्नतों को ईजी लेकर छोड़ दिया, ये हमारे समाज में नहीं होती बोल के छोड़ दिया, या करेंगे तो फितना हो जाएगा, अभी नई नमाज पढ़ेंगे तो फितना हो जाएगा ना भाई, इसलिए हम नहीं पढ़ते। अरे मेरे भाई, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो तरीक़ा है ना वो सिर्फ़ और सिर्फ दुनिया में अमन कायम कर सकता है, इससे फितना नहीं होता। ये हम लोगों ने अपनी बेवकूफ़ियों के नतीजों में ये चीज़ बताएंगे तो फितना होगा, वो चीज़ बताएंगे तो फितना होगा, सही बात बोलेंगे फितना होगा, ये कह कहकर मुकम्मल दीन को अल्लाह माफ़ करे। क्या क्या दीन, एक चमकती हुई अगर कोई चीज़ है ख़जाना है तो हमने उसे मिट्टी डाल डाल कर, चादरें डाल डाल कर और फला डाल डाल कर मुकम्मल उसका चेहरा मस्त कर दिया। अपनी हिकमत, अरे मियाँ अब तुम नमाज़ पढ़ेंगे दो दो रुकू होंगे इसमें, लोगों ने कभी पढ़े नहीं, पूरा फितना मच जाएगा गाँव में, पूरा शहर में बवाल हो जाएगा। अब मेरी सोच है यहाँ, अरे जब बता दिया जाएगा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये तरीक़ा था, आपने ये पढ़ा, तो आप किसको इख्तलाफ। अच्छा सलातुल कुसूफ और खुसूफ में किसी मसलक का इख्तलाफ भी नहीं मालूम आपको कि नहीं नहीं इमाम अबू हनीफा बोल रहे कि नहीं पढ़ना चाहिए, इमाम शाफी बोल रहे कि पढ़ना चाहिए, इमाम मालिक बोल रहे कि पढ़ लिए तो ठीक है, इमाम अहमद बोल रहे फल नहीं, सबका इत्तेफाक ही पढ़ा जाएगा ये नमाज जो अल्लाह की निशानियाँ देखने के बाद होती है, सबका इत्तेफाक ही पढ़ी जाएंगी। मसला ये है उलमा को पता है, बस उन्होंने खुद सोच लिया कि करने से ये फितना हो सकता, खुद सोच लिया, या फिर शर्म, अरे यार कभी हुई नहीं, अब अपन करेंगे लोग बोलेंगे तू होशियार हो गया था, हमारे बाप दादा नहीं कि तू कर रहा, हमारे अब्बा जिम्मेदार थे मस्जिद के नहीं किया, तू बेटा आके इतने शाने चाले कर रहा। मत सोचो, किताब और सुन्नत की बातों को खोल खोल कर रखो। सूरज ग्रहण होने वाला है पता है, तीन तीन चार चार महीने पहले पता चल जाता है, बता के रखो ये बड़ी अहम चीज़ है, उसके दर्श ले लो एक दो बार, जुमा खुद भी दे दो एक दो बार, ताकि लोगों में अवेयरनेस आ जाए कि ये भी नमाज है। अरे कितनी नमाजें हैं, मैं आपको क्या बताऊँ, नफिल नमाजों के अंदर कितनी नमाजें, तहज्जुद ले लें आप, उसके बाद सलातुल ज़ोहा है, क्या बोलते हैं आपका इशराक चाश्त और अवाबीन जिसको बोलते हैं, उसके बाद आप नफिल नमाजों कितनी, सलातुल कुसूफ है, खुसूफ है, सलातुल खौफ है, आयत जलजले के लिए जो अब्दुल्लाह इब्न अब्बास ने पढ़ा, ये नमाज है। इसके अलावा मतलब इतनी सारी इबादतों को हमने यूं ही छोड़ दिया, मालूम आप यूं ही छोड़ दिया, बस मखसूस चीज़ें हमको याद हैं। अच्छा इन इबादतों के अलावा मनमानी बिदतें बहुत निकाली हमने, उसमें कभी पीछे नहीं हटे, क्या होगा लोग क्या बोलेंगे वो तो दिल खोल कर, लेकिन जो साबित है तो ये सबसे पहला काम उलमा का, इसका इल्म लोगों को दे और अमल करके बताए कि ऐसा है, ताकि इंशाल्लाह लोगों को इस चीज़ के बारे में इंशाल्लाह भी पता चलेगा। रहा आपने कहा कि मदीने में आपने पढ़ी थी, तो हम वहाँ बहुत कॉमनली ये नमाज़ें होती है, तो जो लोगों को पता होता है उसके लिए इंतज़ाम होता है, लोगों को बताया जाता है, ऐसा ऐलान आपने किया था कि नमाज़ होंगी और ऐलान ना भी किया तो लाखों लोग तो ऐसे ही मौजूद होते हैं, सारे लोग पढ़ते हैं, तो ये इल्म की वजह से होता है। और वो चीज़ों को बताने में फितना नहीं समझते, हक बात बताने में कोई फितना नहीं, हाँ हिकमत के साथ बताया जाए, पेश अच्छे अंदाज से किया जाए तो इंशाल्लाह लोगों को कबूल करने की पड़ेगी कि नबी की बात है और आपने सलातुल कुसूफ और खुसूफ पढ़ी है, तो लोगों क्या इख्तलाफ होंगे इसमें, नहीं होंगे। अगर वो ये कहे कि हमारे बड़ों ने पढ़ी तो आप बता सकते हैं उनको इल्म नहीं था, अब हमको आ गया माशाल्लाह, अब हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह और अजर मिलेगा इसका इंशाल्लाह, और उन्होंने जो छोड़ी थी उनको गुनाह भी नहीं मिलेगा, चूंकि ज़ाहिर सी बात है इनको फर्ज तो नहीं था, लेकिन सुन्नतों को ऐसा मामूली मामूली समझ के छोड़ना भी एक आसान बात नहीं है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दौड़ कर जा रहे हैं, सहाबा डर रहे हैं, क़यामत तो नहीं आ गई, आप नमाज को जा रहे हैं, तो हमने भी कोशिश करना चाहिए नमाज़ों को हम अदा करें।